ओके ओके, ठीक है भाई ठीक है ओके सो गुड इवनिंग नमस्कार मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी वीडियो की क्वालिटी जबरदस्त होगी और इन चार पांच दिनों में आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया कितना क्या किया जरा एक बार सभी लोग कमेंट से बताइए क्योंकि मैंने विश्वास मानो मैंने आप लोगों को इतना मिस किया है इतना मिस किया है कि मैं क्या ही बोलूँ फिलहाल ठीक है तो बच्चों आज से हम लोगों का एक नया सीरीज शुरू हो रहा है और सीरीज का नाम है बच्चा मैथ पढ़ेगा तो एग्जाम फोड़ेगा सिंपल सी बात है मैथ पढ़ोगे तो एग्जाम फूटेगा ही फूटेगा और ये क्लासेस खास तौर पर रेलवे टेक्नीशियन और ग्रेड थ्री के एग्जाम के लिए जो टेक्नीशियन में है उसके लिए ठीक है यानी आप टोटल ये मेरी बात ध्यान से सुन लो बच्चों की इसका जो पच्चीस क्वेश्चन का वेटेज है वैसे एलपी प्री में बीस क्वेश्चन का वेटेज होता है लेकिन टेक्नीशियन में पच्चीस क्वेश्चन का वेटेज होता है है ना टेक्निशियन ग्रेड थ्री में ये पच्चीस क्वेश्चन का वेटेड है और एल जो होता है, 1, उस 1 में 20 का का है। तो विश्वास में एग्जाम है मार्च लगभग आधा खत्म हो चुका है तो आधा मार्च अप्रैल मई यानी कि अप्रैल मई और जून में आपके एग्जाम है जून से लेकर ये एग्जाम अगस्त तक चलेंगे तो मैं एक मोटा मोटा मान लेता हूं कि तीन महीने आपके पास हैं तीन महीने का मतलब मोटा मोटा अगर मैं नब्बे दिन की बात कर लेता हूं बच्चों तो नब्बे दिन अगर आप मेरे साथ एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तो विश्वास करना कि आपके लिए मैथ आपकी समस्या नहीं बनेगी आप मेरे ऊपर एक बार विश्वास करो भाई गारंटी बोल रहा हूं ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर सब बोल रहे हैं कि आपकी शादी थी सैटरडे को अरे मेरी शादी नहीं थी भाई मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी मेरी तीन शादियां हो चुकी यार तुम लोग बहुत गलत इन्फॉर्मेशन रख रहे फे, हो फिलहाल चलो हम लोग आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं आज की क्लास में आपका पहला प्रश्न मेरे दोस्तों ये है मेरी पहले ही तीन हो चुकी हैं अब क्या हम चौथी शादी करेंगे क्या भाई नहीं है तीन शादियां ऑलरेडी बहुत है और इससे ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं मेरे उम्र देख रहे हो मेरी कितनी है सड़सठ साल उम्र है सिक्सटी सेवन ईयर नमस्ते बच्चा नमस्ते चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से देखो बच्चे कह रहे हैं फोर की पावर एक्स प्लस वाई जो है वो दो सौ छप्पन के बराबर है और यहाँ दो सौ छप्पन की पावर एक्स माइनस वाई जो है वो चार के बराबर है तो आपसे कह रहा है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा ऐसे प्रश्नों में क्या है जैसे ये चार की पावर एक्स प्लस वाई है तो इस दो सौ छप्पन को भी हम चार की पावर में बदलते हैं देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है चार की पावर x प्लस वाई और अगर हम दो सौ छप्पन को चार की पावर में बदलते हैं तो ये हमारे पास चार की पावर चार हो जाता है इसका एक सीधा मतलब है बच्चों कि x प्लस वाई का मान हमारे पास चार हो जाएगा क्यों होता है ऐसा अगर बच्चों हमारे पास a की पावर x बराबर में b की पावर x है बहुत ध्यान से सुनिएगा a की पावर x और ऊपर हमारे पास मान लो यहाँ पर होता a की पावर y यानी जब आधार बराबर होते हैं तो हम लोग घात को भी बराबर कर लेते हैं तब उस स्थिति में करणी का यह नियम होता है एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई तो यहां से एक्स प्लस वाई का मान बच्चों कितना आ गया चार आ गया उसके बाद दो को हम लोगों ने चार की पावर चार समझा था और इसमें पावर में x माइनस वाई पहले से दिया था और ये बराबर में हो जाएगा चार की पावर एक बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स माइनस फोर वाई बराबर वन क्या हो जाएगा फोर एक्स माइनस फोर वाई बराबर वन अब हमसे अगर ये कह रहा है कि x प्लस वाई का मान चाहिए तो बच्चों इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि एक्स माइनस वाई बराबर में एक बटे चार हो जाएगा क्यों क्योंकि चार यहां से कॉमन लेकर नीचे भेज देंगे तो x माइनस वाई का मान एक बटे चार हो जाएगा आप बोलोगे हाँ भाई कंप्लीट बात समझ में आ रही ना आप सुनना जरा बच्चों x, x, तो x का मान 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 भी भी पता पता है है x x का का तो तो क्या होगा तो आप बोलोगे सर x के मान के लिए दोनों को जोड़ देंगे यानी चार प्लस एक बटे चार और सर इसको हम दो से भाग दे देंगे यानी एक बटे दो हो जाएगा तो सोलह और एक सत्रह बटे चार सत्रह बटे चार गुणे दो का मतलब सत्रह बटे आठ तो बच्चे एक्स का मान क्या हुआ हमारे पास बटे एक्स का मान बटे दोनों लेकर हम लोग किससे भाग दे देते हैं दो से भाग दे देते हैं तो y का मान बच्चों पंद्रह बटे आठ वैसे अगर आपको एक ऑप्शन दिख गया था तो वही आपका आंसर हो जाना चाहिए था सीधे सीधे इसमें और कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता बिल्कुल थी नहीं थी हाँ, इसका पीडीएफ भी मिलता है मेरे प्यारे दोस्त इसका पीडीएफ भी मिलेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्न ये है ठीक है पढ़ लो आपका अगला प्रश्न ये है देखो ध्यान से क्या कह रहा है एक व्यंजक है पी एक्स की पावर तीन माइनस में क्यू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और माइनस का छ ये कहता है कि ये इस वाले व्यंजक से कंप्लीटली पूर्णता विभाजित होता है तो क्रमशः और के मान क्या हो गए? अगर ये इस से विभाजित होता है तो ये जो व्यंजक हमारा दिया हुआ है द्विघात समीकरण के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस छ इसके अगर हम मूल निकालेंगे तो हमारे पास मूल क्या होने चाहिए भाई x का जो गुणांक है वो हमारे पास नेगेटिव है तो सिर्फ इसी को बदलेंगे ये हमारे पास सेम रहेगा या आप इसको ऐसे देख सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स और माइनस में छ बराबर में जीरो लिख सकते हो बोलोगे हाँ से इन दोनों में बच्चों अगर हमने x को कॉमन ले लिया तो x माइनस तीन बचेगा और बच्चों अगर यहां हमने दो को कॉमन ले लिया तो यहां से भी हमारे पास x माइनस तीन ही बचेगा बराबर में जीरो तो x का एक मान क्या आ जाएगा बच्चों तीन आ जाएगा और x का दूसरा मान हमारे पास माइनस दो आ जाएगा आ जाएगा आप बोलोगे हां सर अब ये जो दोनों एक्स के मान आए हैं इन्हीं मानों को यहां पर रखना है हमको बच्चों ठीक है तो हमारे पास पी और क्यू की दो इक्वेशन बनेगी तब हम जाके पी और क्यू का मान निकालेंगे x बराबर तीन अगर इसमें रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा x बराबर तीन रखने पर x बराबर तीन रखेंगे तो p तीन का क्यूब बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा तीन का क्यूब हमारे पास आ जाएगा सत्ताईस माइनस क्यू एक्स का स्क्वायर तीन का स्क्वायर तो नौ हो जाएगा यहाँ पर x का मान तीन है तो ये हो जाएगा सात गुणे तीन और माइनस का बराबर में जीरो बच्चों हो गया अपने पास सत्ताईस पी यहाँ पर हो गया माइनस का नाइन क्यू और यहां पर हमारे पास सात तेई इक्कीस और छः सत्ताईस इस तरफ आ जाएगा नौ से अगर भाग दे देंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा थ्री पी माइनस का क्यू और बराबर में तीन तो P और Q का एक समीकरण हमारे पास यहां से बन जाएगा थ्री पी माइनस क्यू बराबर में तीन बोलो यहां तक बात सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ आई है या किसी बच्चे को इसमें थोड़ी सी भी कोई तकलीफ हुई है जरा ईमानदारी से बताओ तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है टेलीग्राम में मिलेगा लक्ष्मी प्रसाद भाई बिल्कुल मिलेगा थोड़ा सा सब रख के मेरे साथ पहले पढ़ तो लो फिर सब कुछ बता दूंगा क्या कहाँ मिलेगा ठीक है थोड़ा रुको तो सही अब हमारे पास x का दूसरा भी मान था माइनस का दो तो माइनस दो यहां रखेंगे तो बच्चों हमारे पास माइनस का आठ पी हो जाएगा x का मान माइनस दो यहां रखोगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का फोर क्यू एक्स का मान माइनस दो यहां रखोगे तो ये प्लस का चौदह हो जाएगा और माइनस बराबर में शून्य होगा तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है माइनस का आठ पी माइनस का चार क्यू और चौदह में से छह घटाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे आठ बचेगा और उस तरफ लिखोगे तो माइनस का आठ माइनस और चार कॉमन लेकर कार्ड देते हैं तो ये बच्चों हमारे पास टू पी हो जाएगा यहाँ पे प्लस हमारे पास क्यू बचेगा और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो बचेगा हमने किससे भाग दिया माइनस चार से दोनों तरफ में भाग दे दिया माइनस चार से बच्चों समझ में तो पी और क्यू की एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये तैयार हो गई P और Q के एक समीकरण ये था P और Q का दूसरा समीकरण ये आ गया है अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं किसको किसको इन दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ देता हूं इनको अगर मैंने क्या किया जोड़ा तो प्लस क्यू से माइनस क्यू खत्म हो जाएगा आप बोलोगे हाँ P और 3P मिलकर 5P हो जाएगा बराबर तीन और दो मिलकर पांच हो जाएगा बच्चों ध्यान से सुनना तो पांच से पांच कटेगा तो बच्चे पी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का वन अब पी का मान प्लस वन कहां पर है इस चीज को देखो पी का मान प्लस इधर तीन माइनस तीन जीरो बचेगा यानी बी हमारे पास आंसर के रूप में आएगा कि सर पी और क्यू के जो मान होंगे वो एक कॉमा जीरो होंगे बोलो सभी बच्चों का आया है कुछ बच्चे दो कॉमा एक आंसर दे रहे नहीं भैया इन दोनों अगर समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास पी का मान बच्चों क्या निकल कर आएगा वन आएगा पी का मान वन निकल कर आएगा और बच्चों क्यू का मान हमारे पास क्या निकल कर आएगा जीरो आएगा ठीक है थोड़ा सा ईमानदारी के साथ और थोड़ा सा समझदारी के साथ दोनों के साथ आपको सवालों को करना है क्लियर है बोलो दोस्तों बोलो अच्छा ये बताओ ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई बारह पीसीम से हूं फॉर्म भर सकता हूँ क्या अरे बिल्कुल सर बिल्कुल भर सकते हो क्यों नहीं भर सकते हो हाँ या ना सर बिल्कुल भर सकते हैं आप इसमें तो कोई दो ही नहीं है ठीक है ये बात स्पष्ट हो गई वेरी गुड चलिए अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखो भाई बताने की कोशिश करिए अगले सवाल का उत्तर ठीक है हाँ और सेशन को जरा थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करते हुए चलेंगे सभी लोग फटाफट से एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20 परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करती है एक ग्राहक एक वर्ष में एक जनवरी और एक जुलाई को नौ हजार दो सौ रुपए जमा करता है वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा मतलब आपको यह बताना है कि उसे एक साल के अंत में कितनी राशि का लाभ होगा बहुत ध्यान से सुनना बच्चे बच्चे सबसे पहले एक ग्राहक ने क्या किया कि एक जनवरी को हमारे पास या बैंक में 9200 रुपए जमा कर दिए और फिर उसके बाद उसने एक जुलाई को 9200 रुपए जमा किए हैं बहुत ध्यान से सुनना 9200 रुपए जमा किए हैं तो बच्चों मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि भाई जो उसने एक जुलाई को पैसा जमा किया है वो तो 9200 जमा किया है लेकिन उससे पहले के 6 महीने में भी तो वो 5200 रुपए जमा कर चुका है यानी जुलाई को उसका मूलधन कितना होगा भाई बानवे सौ रुपये और बानवे सौ रुपये यानी एक जुलाई को उसका जो मूलधन होगा वो पहले वाले बानवे सौ और अब वाले बानवे इतना हो जाएगा यानी अट्ठारह हजार चार सौ रुपए होगा ये बात सभी बच्चों को समझ में आई सब लोग पहले तो इतना बता दो आ गई अच्छा आप ध्यान से सुनना बच्चों पहले छह महीने में क्योंकि ब्याज हमें छह महीने में मिल रहा है पहले छह महीने में ये जो छह महीने का अंतराल है कहा से कहां तक एक जनवरी से एक जुलाई तक यहां पर इसे बीस परसेंट की दर से ब्याज मिलेगा और बच्चों नौ हजार दो सौ का जो बीस परसेंट होगा बच्चों हमारे पास कितना होगा अट्ठारह सो चालीस रुपए होगा ये हमें पहला चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा पहला वाला चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि यह छह महीने का चक्रवृद्धि ब्याज है कौन से छे महीने का चक्रवृद्धि ब्याज है तो आप बोलोगे सर जनवरी से लेकर एक जुलाई तक जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा मिलेगा वो बात बात पक्की हो गई आप बोले हाँ। आगे की बात पर चक्रविधि अब देखो यहां पर बच्चे अपना एक जुलाई को जो मूलधन है वो अपने पास अठारह है यहां पर फिर अपने पास ब्याज मिलेगा आपकी बार 20 परसेंट की दर से लेकिन अब बार मूलधन क्या है अठारह हजार चार सौ बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है 18400 का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 6 महीने के लिए वो कितना होगा 20% की दर से छ ही 6, -6 महीने में ब्याज मिल रहा है तो 18400 का 20% बच्चे होगा ₹3680 अब बच्चा क्या सोचेगा कि भाई पहले 6 महीने में यहां ब्याज मिल गया फिर 6 महीने में यहां ब्याज मिल गया दोनों को उठाकर जोड़ दें तो बच्चे के मन में पहला ये काम होगा कि वो दोनों को उठाकर जोड़ेगा और सिर्फ अगर आप इन दोनों को उठाकर जोड़ोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा गड़बड़ पूछो क्यों होगा गड़बड़ उसके पीछे की वजह यह है कि ये उत्तर गड़बड़ इसलिए होगा भाई क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा यह कहता है कि ब्याज पर ब्याज तो इस छह महीने का जो पहले वाला ब्याज है ना इस पर भी तो बीस परसेंट ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल क्या मतलब होता है ब्याज पर ब्याज ब्याज पर ब्याज तो हमें पहले तो छह महीने के लिए ब्याज मिला था लेकिन इस ब्याज की राशि पर भी तो बीस परसेंट ब्याज मिलेगा तो भाई अठारह सौ चालीस का अगर हम बीस परसेंट करेंगे तो दूनी अठारह अड़सठ रुपए ब्याज के रूप में हमारे पास और आ जाएगा अब हम जब टोटल जोड़ेंगे तब तो हमको ये पता चलेगा कि सर हमारा टोटल ब्याज कितना है इन सबको जोड़ेंगे तो वर्ष के अंत में कुल ब्याज पता चलेगा और इन सबको जोड़ोगे तो इकाई की तरह बच्चों आठ आएगा और अगर हम ऑप्शन पर नजर डालते हैं तो इकाई की तरफ आप सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर डी है तो आपका करेक्ट आंसर होगा पांच हजार आठ सौ अट्ठासी रुपए इन तीनों का कुल ब्याज मिलेगा कितना ब्याज मिलेगा पांच हजार आठ सौ अट्ठासी रुपए इस सवाल को लिख लो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे प्रश्नों में बच्चों को अक्सर दिक्कतें भी होती हैं और वो इन प्रश्नों को भूलते भी हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप पहले तो इस बात को नोट कर लो ठीक है तीन वाली क्लास ही इस वजह से यहां पर ट्रांसफर हो गई है बच्चे राहुल रोहित भाई तीन पीएम वाली जो क्लास थी वो बजे से अब स्टार्ट हुआ करेगी आज से वो क्लास इस समय से स्टार्ट होगी पांच बजे से ठीक है डेली चलो दोस्तों अगला सवाल देखिए बताइए बहुत शानदार सा क्वेश्चन है लेकिन इस शानदार से क्वेश्चन के लिए पहले मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा देखो जैसे यहां पर बच्चे x प्लस एक्स का मान पांच दिया है और हमसे पूछ रहा है एक्स की पावर फाइव प्लस एक्स की पावर फाइव तो बहुत सारे बच्चे तो ये जानते होंगे कि सर अगर हमारे पास एक्स प्लस एक्स दिया है तो एक्स की पावर फाइव प्लस एक्स की पावर फाइव कैसे निकालते हैं डायरेक्ट लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो जो इस बात से अपरिचित हो गए उनको ये बात नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूं ध्यान से सुनना बच्चों देखो अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आपके पास दिया हुआ है कुछ और आपको बच्चों अगर x की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव चाहिए तो ध्यान से सुनो इसके लिए तरीका क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब गुड़े में बच्चों क्या आता है इसको नोट कर लेना X X और में होता है बच्चों एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ठीक क्या होता है माइनस में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कई बार ये पावर पांच ना पूछकर आपसे पावर सात पूछ लेता है कि एक्स की पावर सात प्लस में वन अपॉन एक्स की पावर सात का मान क्या होगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है एक्स के क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब दूसरा बनता है दूसरे ब्रैकेट में एक्स की पावर चार प्लस वन अपॉन एक्स की पावर चार और माइनस में क्या होता है बच्चों माइनस में होता है एक्स प्लस वन अपॉन, अपॉन एक्स सात की जगह अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई हमको ये बता दो कि एक्स की पावर ग्यारह प्लस वन अपॉन एक्स की पावर ग्यारह का मान क्या होगा कब जब आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स करके कुछ दिया हो मान लो कि यह एन दिया है तो इसका मान क्या होगा बच्चों इसका मान होगा x की पावर छ प्लस वन अपॉन एक्स की पावर दूसरे में x की पावर पांच प्लस पांच एक सवाल में आपके मैं चार सवाल बता रहा हूं हर एक सवाल में आपको उतनी सारी चीजें बताऊंगा अगर आप नोट्स बनाते हैं तो कम से कम चार सवाल सॉल्व करोगे तो इसका मतलब ये पच्चीस क्वेश्चन नहीं तुम सौ क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेरे साथ और बच्चे यहां पे भी वही आता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स यह आता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ठीक अब एक चीज को और समझ लो कि अगर आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान बच्चे एन दिया है तो आप मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्सर प्लस एक्स स्क् होगा एन स्क्वायर माइनस में दो और अगर यहां पर एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे सर ये मान हो जाएगा एन का क्यूब माइनस में थ्री ऑफ एन ये तो जानते होंगे सारे बच्चे हाँ सर ये बिल्कुल जानते हैं तो चलो फिर अब मान निकालने की बारी आ गई है कि बच्चों अगर हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या दिया है पांच दिया है पांच दिया है और हमसे कहा गया है कि एक्स की पावर पांच प्लस वन अपॉन एक्स की पावर पांच का मान बताइए तो ये मान क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब यह बार बार आपको नहीं लिखना है ये मैं दोबारा से इसलिए लिख रहा हूं कि फिर से आपका रिवीजन हो जाए लेकिन आप मत लिखना ठीक है आप देखो केवल और माइनस में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा आप बोलोगे हाँ। चलिए अगर x एक्स पांच दिया है तो बताइए मुझे कि बराबर तेईस होगा, तो होगा और अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान पांच दिया है तो बच्चों आप मुझे बताइए कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होगा तो आप बोलोगे सर पांच के क्यूब में से पंद्रह घटा लेंगे तो पांच का क्यूब एक सौ पच्चीस और 125 में से 15 घटा लेंगे तो बच्चों ये हमारे पास 110 आ जाएगा तो इसका मान हो गया बच्चों 110 सौ यहां पर मान हो गया हमारे पास कितना 23 23 और बच्चों इसका मान x प्लस वन अपॉन एक्स का मान पांच है तो यहां पर गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा टू फाइव थ्री जीरो माइनस पांच यानी 2530 में से पांच घटा देंगे तो पच्चीस अपना सही आंसर होगा क्या हो जाएगा 2525 करेक्ट आंसर होगा अब इसको आप अच्छे से नोट कर लेना जितने अच्छे से आप नोट कर सकते हो बाकी कोई बात नहीं ठीक है बोलो बच्चों सभी का आंसर समझ में आया सभी को हा या ना का जवाब देना सभी लोग जरा फटाफट से है कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे थे कुछ सी आंसर दे रहे थे सही जवाब देने वाले बच्चों की संख्या क्या है पच्चीस है यानी बी आंसर होगा सही जवाब ठीक है नोट कर लो भाई सबका आया है गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग हाँ अब डेली इसी टाइम पर होगा अब डेली इसी टाइम पर ये क्लास होगी चलो दोस्तों देखो रोहित भाई थोड़ा सा मैनेज करना सॉरी फॉर दैट ठीक है हाँ। चलिए दोस्तों देखिए समझ में आ गया ओके ये कह रहा है कि कौशिक की पावर फोर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट की पावर फोर ए और प्लस कौशिक स्क्वायर ए का मान क्या होगा देखो त्रिकोण मिति का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद कर लेना मैं फिर से बता रहा हूँ सभी लोग पेपर का समय नजदीक आ रहा है तो चीजें दिमाग में रखना त्रिकोण मित्र या अल्जबरा के सवाल में अगर आपके पास सारे के सारे ऑप्शन अंक गणित वाले हैं न्यूमेरिक वैल्यू वाले हैं तो आप ये जो ए या थीटा दिया होता है इसका कुछ भी मान रख लीजिए ध्यान से बस कैलकुलेशन सही करना मान लीजिए ए का मान मैं पैंतालीस डिग्री रख लेता हूँ कुछ भी रखो फिर सही आंसर आएगा तो बताइए कौशिक पैंतालीस का मान कितना होता है रूट टू होता है और रूट टू की पावर अगर हम चार करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा चार आ जाएगा भाई अगर हमारे पास कौशिक पैंतालीस का मान रूट टू है और इसकी पावर अगर हम फोर करेंगे तो चार ही तो आएगा आएगा ना कॉट स्क्वायर है कॉट पैंतालीस का मान वन होता है वन का स्क्वायर करेंगे तो ये वन ही रहेगा माइनस ट की पावर फोर ए का मतलब कॉट पैतालीस का मान वन है पावर चार कर दो या चालीस वो तो वन ही रहेगी प्लस लिखा है और स्क्वायर लिखा है यानी दो हो जाएगा बच्चों ध्यान से सुनना तो यहाँ पर बच्चे अपने पास तीन आएगा माइनस यहाँ पे भी अपने पास तीन आ जाएगा और तीन माइनस तीन का मतलब बच्चों अपना आंसर क्या बनेगा शून्य बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास लिखा हुआ है किसमें लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में जीरो करेक्ट है बच्चे ध्यान रखना कि फिर से बोल दे रहा हूं कि अगर आपके पास सारे के सारे ऑप्शन लिख देता हूं सारे के सारे ऑप्शन अगर अंक गणतीय में, में, में है उनका फॉर्म कैसा दिया है वो अंक गणतीय रूप दिया है तो आप थीटा को या जो भी एंगल दिया है ए या बी कुछ भी उसको आप कोई भी एंगल, एंगल एज्यूम कर सकते हो क्या लिख सकते हो कोई भी एंगल ले सकते हो आपका आंसर हमेशा सही आएगा कोई भी एंगल ले सकते हैं इस बात को आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से ये लीजिए आपका अगला प्रश्न है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 35 परसेंट और 40 परसेंट कम है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 35 परसेंट और 40 परसेंट कम है मान लो आपके पास तीसरी संख्या बच्चों 100 मान लेते हैं तो पहली संख्या जो होगी वो इससे 35 परसेंट कम है तो मतलब पैंसठ परसेंट है आप बोलोगे दूसरी संख्या अगर बी है और वो इससे 40 परसेंट कम है तो वो 60 परसेंट होगी आप बोलोगे यस सर अब देखो बच्चों सवाल में आपसे ये कहा गया सवाल आपसे सिंपली ये कहा गया कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाना है तो दूसरी संख्या को अगर पहली संख्या के बराबर लाना है तो पांच बढ़ाना पड़ेगा ना कितना बढ़ाना पड़ेगा पांच किस पर बढ़ाना पड़ेगा साठ पर ये कितने परसेंट है ये आपको बताना है पांच से साठ को डिवाइड करेंगे तो बारह बार होगा और बारह सौ हो जाएगा एक बटे बारा गुणे बारा लगभग लगभग तीन तीन की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी बारह से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चे हमारे पास आठ दशमलव तीन तीन परसेंट की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ये हमारा आंसर आ जाएगा बोलो सभी बच्चे समझ पाए हो ईमानदारी के साथ बचाना सभी लोग सभी लोग ईमानदारी से बताना ईमानदारी से क्या बात सभी लोग समझ पाए हो हमें कोई भी जल्दी नहीं है प्रैक्टिस को कराने में कोई भी जल्दी नहीं है सवाल का लेवल आपका बहुत बढ़िया होगा आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से सीखोगे ठीक है सभी का आंसर आया आठ दशमलव तीन तीन परसेंट इसमें पहला दूसरा तीसरा कैसे मानेंगे समझ में नहीं आता चलो मैं आपको बताता हूं देखो हाँ ये सवाल एक बढ़िया पूछा इन्होंने रोहित ने इसमें सर बेस किसको माना जाए किस संख्या को हम दूसरा तीसरा मानते हैं देखो सवाल ही में दिया होता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में तो इसका मतलब तीसरी संख्या आप कुछ भी मान सकते हो उस तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में इस तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में बाबू हमारे पास ये दूसरी संख्या होनी चाहिए और ये पहली संख्या होनी चाहिए तो ऐसी कंडीशन में जो बेस होता है वो हमेशा क्वेश्चन में आपके पास लिखा होता है बस उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है तो आप बड़े आसान ढंग से ये बता सकते हो कि सर इसमें मानना किसको है ठीक है चलो अगला सवाल बताओ पचास और डेढ़ सौ के बीच में कितनी संख्याएं सात से डिवाइड होती हैं किसके किसके बीच में पचास और डेढ़ सौ के बीच में बहुत ध्यान से सुनना देखो बच्चा जब कभी भी ये बोले कि इतने से इतने के बीच में जब आप वो सवाल में दिया हो कि इतने बीच में तो आप हमेशा जानते हो क्या करोगे जब आपको बीच में बोली जाए संख्या तो आखिरी वाली संख्या में से एक घटा कर लिख लिया करो और अगर आपसे जैसे ये बोलता कि 50 से डेढ़ सौ तक अगर कहीं पर आपके ये बोला जाता तक तो तक में क्या करते हैं तब तक में आप फर्स्ट वाली संख्या से एक माइनस करके लिखा करो बस आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा इस बात को इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आप नोट्स कहीं अगर बना रहे हो तो उसके रूप में जरूर लिख लेना अगर आपका नोट्स कहीं बनता हो तो और अगर नहीं बनता है तो मेरे भाई मेरा निवेदन ये रहेगा कि उसको बना लो जरूर ठीक है चलो तो पचास और सौ के बीच में कहा गया है किसको लिया गया बीच में तो बीच में लेने का मतलब आप आखिरी वाली संख्या में से एक घटा कर लिख लीजिए पहली वाली संख्या पचास एज इट इज और आखिरी वाली संख्या में एक घटा कर लिखोगे तो एक आ जाएगा अब कह रहा है सात से डिवाइड होनी चाहिए तो सात से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं सात से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं ये कितनी बार डिवाइड होगा कंप्लीट बार सात सत्य उनचास बार डिवाइड होगा इक्कीस बार अब ये जितनी बार डिवाइड होकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों जितना कंप्लीट डिवाइड हुआ है एक सात बार हुआ है एक इक्कीस बार हुआ है इन्हीं दोनों का अंतर तो इक्कीस माइनस का मतलब बच्चों कितना होगा इक्कीस माइनस का मतलब चौदह संख्याएं होंगी जो कि पचास से एक सौ पचास के बीच में होंगी और जो किससे डिवाइड होंगी होंगी से डिवाइड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईमानदारी से बताओ कितने लोगों का बी एस सी ऑनर्स मैथ्स है मैथिडरी पेपर फिजिक्स टेक वन सिग्नल फॉर्म भर सकते हैं क्या इसकी जानकारी के लिए बच्चा इतना अभी हमने डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है ठीक है तो आप जरूर इसका नोटिफिकेशन पढ़ लो मेरे दोस्त राम कुमार भाई ठीक है चलिए अगला सवाल देखो आया है क्या बात है बहुत प्यारे प्यारे से बहुत उम्दा उम्दा सवाल है जिसको करने में बड़ी इंटरेस्टिंग मजा आने वाली है आप लोगों को सिर्फ करना मेरे दोस्त यह है कि सेशन को फटाफट से लाइक करना है जितनी तेजी से आप लाइक कर सकते हो उतनी तेजी से ठीक है चलिए ग्यारह कौमा माइनस पांच और के कॉमा जीरो के बीच की दूरी ये रखी है के का मान ज्ञात करना है मतलब बच्चे अगर हमारे पास दो बिंदु दिए हैं मान लो ये बिंदु है हमारे पास x1 y1 और ये बिंदु है बच्चों हमारे पास x2 y2 तो अगर बच्चों इनके बीच की दूरी d है तो इस d का मान निकालते हैं हम कैसे हैं d का मान होता है डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है x2 x1 का होल स्क्वायर और सर दोबारा में क्या होता है y2 में y1 का होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का सबको पता होगा जानकारी होगी मुझे ये पता है हैं जी तो बच्चे ये हमारे पास x1 हो गया ये y1 हो गया ये हमारे पास बच्चों x2 हो गया ये y2 हो गया करेक्ट बोलोगे हाँ सर इसी फॉर्मूले में रखना है और दूरी तो हमको दी हुई है कि d का मान तेरा है चलो वर्गमूल के अंदर x2 टू माइनस एक्स यानी k में से ग्यारह को घटाकर लिख लेंगे तो k माइनस ग्यारह हो जाएगा बहुत ध्यान से सुनना प्लस वाई टू माइनस वाई यानी जीरो में से पांच को घटाएंगे तो ये पांच हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर अब बच्चे अगर ये बड़ा वाला वर्गमूल का चिन्ह हटाना है तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे और जब तेरह का वर्ग करेंगे तो एक सौ उनहत्तर हो जाएगा यहां से वर्गमूल हट जाएगा बच्चे ये हमारे पास आएगा के माइनस ग्यारह का होल स्क्वायर प्लस में पच्चीस पच्चीस इधर घटा लेंगे तो बच्चे एक सौ चवालीस बचेगा और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा के माइनस ग्यारह का होल स्क्वायर अच्छा 144 का वर्गमूल लेंगे तो बच्चों प्लस माइनस 12 आएगा यानी k माइनस ग्यारह का जो मान है बच्चों वो हमारे पास प्लस 12 भी हो सकता है और माइनस 12 भी हो सकता है अब इसी चीज पर थोड़ा सा डिस्कशन आपसे चाहता हूं देखना जरा बच्चों अगर इसका मान प्लस 12 हुआ k माइनस ग्यारह का मान अगर हमारे पास प्लस का बारह हुआ तो इधर आके जुड़ेगा तो के का मान बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का तेईस और अगर इस के माइनस का मान माइनस का बारह हुआ तो इस तरफ तो जाएगा तो के बराबर आपके पास माइनस का वन आ जाएगा के के एक एक तो सारे ऑप्शन एक ही जैसे लिख दिए थे कोई बात नहीं प्लस तेईस और माइनस एक होंगे आपको सवाल करने का तरीका पता होना चाहिए ऑप्शन अगर सेम भी है तो क्या ही फर्क पड़ेगा आपको तरीका पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके वे पता होने चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है भाई हाँ माइनस एक और तेईस ठीक है एक सौ चौवालीस प्लस पच्चीस एक सौ उनहत्तर होता है बिल्कुल सही बात है ये तो आपने दोबारा समझा दीजिए राजेंद्र साहू बच्चे इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है मैं आपको बता देता हूं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है अब इसमें दूरी का मान हमारे पास d तेरह दिया था x2 का मान बच्चों हमारे पास ग्यारह दिया था x1 का मान हमारे पास k दिया था y2 का मान हमारे पास पांच दिया था सॉरी जीरो दिया था y2 का मान हमारे पास क्या है बच्चों जीरो है और y1 का मान माइनस पांच था इसी की सारी वैल्यू रखनी थी आंसर निकाल लेना था अगला सवाल देखिए बताइए बहुत प्यारे और बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है भाई आप सभी लोगों के लिए आपको मजा आ रही है आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बच्चों बोलो कर रहे हो ना वेरी गुड बहुत बढ़िया बिंदु है तीन कौमा माइनस दो और पांच कौमा तीन से गुजरने वाली रेखा के समीकरण को ज्ञात करना है तो पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं उसको जरा सीख लो ये तो सवाल सरल है कि दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा है इसका समीकरण निकालना आप समझो जरा अगर हमारे पास रेखा है कोई जो एक्स अक्ष से कोई कोण बनाते हुए जा रही है तो इस रेखा का जो प्रवणता रूप होता है वो होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी क्या होता है वाई बराबर सी करेक्ट मान लीजिए कि अगर रेखा जो है हमेशा याद रखना कि अगर का जो रूप होगा वो तो हमेशा एक्ष एक्ष से ही होगा मान लीजिए कि अगर ये रेखा जो है एक्स अक्ष से कोई थीटा कोण बनाती है और दो बिंदुओं से होकर गुजरती है तो दो बिंदुओं से अगर होकर रेखा जाएगी तो उसका समीकरण होता है वाई माइनस वाई वन एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन ठीक दो बिंदुओं से होकर जाती है तो यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं बहुत आसान ढंग से कि एक बार बिंदु हमारे पास तीन कौमा माइनस दो है और एक बार पांच कौमा तीन है तो इसका मतलब बच्चों रेखा कितने बिंदुओं से होकर जा रही है दो बिंदुओं से और बच्चों अगर दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण चाहिए तो बताइए क्या होगा अभी मैंने लिखा है बोलो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है होकर गुजरने वाली गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है क्या बताओगे अभी मैंने आपको बताया है आप लोग देखें हमें बता पाते हो या नहीं बता पाते हो पहले ये बताओ कुछ बच्चों ने बी आंसर दे दिया है उसमें राहुल गुप्ता है चलो बढ़िया बात है पहले आप मुझे ये बताओ कि दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण तुमको आता है या नहीं आता है बताइए तो आप बोलोगे कठिन थोड़ी है सर ये तो लिखा है, है? तो पहले बच्चे इसकी प्रवणता चाहिए होगी y बराबर एम एक्स प्लस होता है ना इसकी रेखा का प्रवणता रूप तो उसके लिए m चाहिए होगा और हमें रेखा का समीकरण चाहिए तो पहले m निकाल लेते हैं m क्या होता है m होता है y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक अब इसमें ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है तो y2 टू माइनस वाई का मतलब x1 y1 x2 y2 यानी तीन कॉमा माइनस दो तीन माँनस माँनस दो वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब तो जबरदस्ती और जल्दबाजी बिल्कुल मत करना ये क्या हो गया बच्चों एम हो गया जो अच्छे से सीखेगा वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा जो नहीं सीखना चाहेगा उसके लिए मैं क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है कुछ नहीं कर सकता ठीक है ये m का मान आ गया अब जब ये m का मान आ गया तो यहाँ पर रख सकते हो y बराबर m का मान हो गया बच्चे पाँच बटे दो एक्स की जगह x है अगर आपको c का मान पता चल जाए तो काम हो जाएगा बड़ी आसान ढंग से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और उसको समझने की कोशिश करो जैसे अगर मैं दो का गुणा यहाँ कर देता हूँ बच्चे ये टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास फाइव रहेगा और यहाँ पर हमारे पास टू होगा पहले ध्यान से सुनना बच्चे अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो अपने पास आएगा क्या अपने पास आएगा फाइव एक्स माइनस का टू वाई और बराबर में ये हिस्सा जो होगा ये माइनस का टू सी होगा आप बोलोगे हाँ सर सी का मान निकालना कठिन नहीं है उस पर हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे यानी आएगा तो हमारे पास फाइव एक्स माइनस का टू वाई तो फाइव एक्स टू वाई वाले ये जो दोनों ऑप्शन है ना ये खत्म हो गए अब देखो फाइव एक्स माइनस टू वाई के बाद सी का जो गुणांक है वो भी नेगेटिव है तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया खत्म हो गया तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया क्या हो गया ऑप्शन ए कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं कुछ सी आंसर दे रहे हैं अब मुझे ये पूछना है आप सभी से कि बी क्यों है सी क्यों है ए क्यों नहीं है सी और डी को तो मान लो हटा दो बी क्यों है ए क्यों नहीं है हालांकि हालांकि मैंने पूरा बोला है लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगा आप लोग मुझे क्या आंसर देते हो खैर बताओ जरा बच्चों देखें ए एल का कोर्स ले सकते हैं क्या प्लीज बता दीजिए सिनेमा हॉल हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं रेलवे के लगभग लगभग विश्वास मानिएगा लगभग लगभग चीज़ें सेम ही होती हैं कुछ लगभग क्या एक ही होती हैं सेम ही होती हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर अप एंड डाउन होता ही नहीं है बिल्कुल सेम चीज़ें रहती हैं ठीक है मैं आप बताइए कौन सी फॉर्म फिल करूँ आई भी है और बी एस मैथ ऑनर्स भी है आई फिटर से भी है अरे यार इसके पास तो बहुत कुछ है तुम आराम कर सकते हो अभी नवीन कुमार भाई ठीक है बात समझ में आ गई आगे बढ़े चलो नेक्स्ट बताओ बताइए भाई ठीक है बोलो किसी ने बताया नहीं कि ए क्यों नहीं चूज करना है बी क्यों चूज करना है किसी ने नहीं बोला अभी तक अभी देखना बताओ अगले सवाल पर आ गए हैं कि एक चोर है एक पुलिसकर्मी को 200 मीटर की दूरी पर रोक लेता है रोक लेता है या देख लेता है जो भी है रोक लिया उसको 200 मीटर से वहीं पे रुक जा चोर भाई ठीक हाँ तो ये जो बी आ रहा है ये आपका क्यों आ रहा है और क्यों नहीं ए क्यों नहीं हो सकता है भाई अंतर सिर्फ माइनस का और प्लस का ही है आज का क्वेश्चन डरा दिया मुझे मैं जो पूछ रहा हूं उसको सुनो बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे पहले इस पर आओ पुलिसकर्मी जब चोर का चोर होगा यहाँ जोर नहीं होगा क्या होगा चोर होगा पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता और क्या भाई वो खड़ा रहेगा कि आ बैल मुझे मार वो भी भागेगा ही अच्छा यह मानते हुए कि चोर की गति प्रति घंटे है और पुलिस की गति दस किलोमीटर प्रति घंटे है तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा बड़ा अच्छा सवाल है बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है कैसे मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ जरा उसको देखना ये एक पुलिस हो गई और ये भाई साहब चोर हो गए ध्यान ध्यान से से सुनना से, जो कह रहा हूं। इन दोनों के बीच की दूरी हो गई 200 मीटर इसने रोक दिया था अब चोर ने पुलिस को देखा तो चोर ने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना शुरू कर दिया और जैसे देखा पुलिस ने कि चोर भाई साहब भाग रहे तो इसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चोर का पीछा करना शुरू किया अच्छी चीज है चलो अब देखो ध्यान से बच्चे समय तो सेम है ना क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड कम है तो जितने समय तक चोर भागेगा पुलिस भी उतने ही समय तक भागेगी तभी तो पकड़ पाएंगे है ना अगर दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं जब टाइम सेम होता है बच्चों तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो बिल्कुल डिस्टेंस के रेशियो के समानुपाती होता है और बच्चों अगर यहां पे देख पा रहे हैं तो चाल के जो अनुपात हैं वो क्या आएंगे दस और आठ स्पीड होने का मतलब चाल के अनुपात जो है बच्चों पांच और चार आएंगे स्पीड के रेशियो और चार आएगा तो बच्चों स्पीड का रेशियो अगर पांच और चार आया तो दूरी के जो अनुपात होंगे ना वो भी तो पांच और चार का ही होगा और यदि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो एक यूनिट के रेशियो में है और सवाल के हिसाब से पुलिस और चोर के बीच की दूरी 200 मीटर है तो एक यूनिट का मान बच्चों 200 मीटर है आपसे कह रहा है कि पकड़े जाने तक चोर कितना चला होगा तो चोर तो चार यूनिट चल रहा था तो भाई अगर एक यूनिट का मान हमारे पास 200 मीटर है तो चार यूनिट का मान कितना होगा तो आप बोलोगे सर 800 मीटर होगा यानी कि चोर तब तक कितने मीटर चल चुका होगा 800 मीटर चल चुका होगा और आपका आंसर बच्चे क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोलो सभी बच्चों का आया है आठ और एक बात ईमानदारी से ये बताना जरूर कितने बच्चों ने इस सवाल को ये रेशियो मेथड से किया है वरना आप इसको उसी टाइम एंड डिस्टेंस के तरीके से लगाते और आपका थोड़ा सा समय निश्चित तौर पर ज्यादा जाता लेकिन अगर आप इसे रेशियो के इस तरीके से लगाएंगे तो आपका समय कम लगेगा ये एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं बोलो ईमानदारी से बताओ क्या सभी बच्चों ने इस सवाल को इसी सरल तरीके से किया है अगला सवाल ये देखो भाई बहुत ध्यान से किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का द्विभाजक बी सी को बिंदु ई e पर काटता है ए सी की लंबाई का पता लगाना है यदि A, B, B, e और ईसी e, की लंबाई किसकी किसकी e और सी e, की लंबाई क्रमशः नौ दशमलव छीमीटर और तीन सेंटीमीटर दी है अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों आपको पहले चीजें समझा देता हूं ध्यान से देखिए जरा ठीक है बहुत ध्यान से बच्चे हमारे पास त्रिभुज है एबीसी कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी सी गौर से देखिए जरा ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी समझ लेना सभी लोग पहले ध्यान से ए बी और सी ठीक है कोण ए का द्विभाजक मतलब ये जो कोण है इस कोण का द्विभाजक जो है बीसी को बिंदु ई e पॉइंट पर काटता है द्विभाजक का मतलब जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है पहले बहुत ध्यान से गौर से बात को समझना एसी की लंबाई पता करनी है ए से सी तक की लंबाई पता करनी है ए बी बीई और ईसी e, की लंबाई ए बी की लंबाई नौ दशमलव छह है उसके बाद बीई e की लंबाई चार है और सीईसी e, की लंबाई तीन है बच्चों आपको एक चीज बता देता हूं ध्यान से सुनो जब ये हिस्सा होता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं अंता कोण द्विभाजक प्रमेय होती है ये क्या होती है अंत कोण द्विभाजक प्रमेय कहते हैं इसको कितने बच्चे जानते हो जरा ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है जरा ईमानदारी से बताओ अंत कोण द्विभाजक प्रमेय है ये कितने लोगों को ये बात पता होती है कि ये सब जोमेट्री में हमने पढ़ा था ये बात मैं जानता हूँ जरा सभी लोग बताओ कितने लोगों को ये बात पता थी ईमानदारी से मैंने नहीं किया अब सही करो और बच्चा रेशियो की स्पेलिंग सही करो सूरज भाई रेशियो की स्पेलिंग सही करो ठीक है ये कोण द्विभाजक प्रमेय है कोण द्विभाजक प्रमेय ये कहती है कि जो अनुपात ए बी का ए सी के साथ होगा मतलब मान लो कि अगर ये भुजा ए हो ये भुजा बी हो इस हिस्से को यहां से यहां तक के हिस्से को मैं एम बोल दू और यहाँ से यहां तक के हिस्से को अगर मैं एन बोल दू तो इसमें क्या क्या चीजें बनती है देखो तो होता क्या है बच्चों ये ए बी अपॉन ए सी जो होता है नोट कर लेना कहीं अगर नोट कर रहे हो ए बी अपॉन ए सी जो होता है वो ई e, बटे सी ई e के बराबर होता है बीई e बटे सीई e के बराबर होता है इस बात को अच्छे से नोट कर लो बहुत अच्छे से याद करते हुए यानी कि मैं आपसे यह कह सकता हूं मैं आपसे यह बोलूंगा कि अगर ए बटे बी ए बटे बी जो है वो एम बटे एन के बराबर है और बच्चों इसमें बहुत सारे फैक्ट है वो भी मैं लिख देता हूं उसको आप लिख लो सबसे पहली बात जो एम प्लस एन के बराबर की दूरी है वो जानते कितनी है वो है बी से सी तक की जो दूरी है वो एम प्लस एन के बराबर है अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि ये जो हमारे पास इसका ये जो कोण द्विभाजक वाली लाइन है ए ई -E वाली लाइन है इसको क्या बोलेंगे कोण द्विभाजक वाली लाइन यानी अगर कभी आपसे पूछ दे कि ए ई -E क्या होगी तो ए -E का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो क्या होता है वो ए इंटू बी माइनस में एम इन टू एन होता है क्या होता है ए इन टू बी माइनस में एम एन टू एन होता है ठीक तीसरी बात अगर हमको कभी इन दोनों के बीच का ये कोण ही दे दे कोण ए दे देता है और फिर पूछ ले कि ए ई e क्या होगी तो याद रखना ए ई e तब क्या होगी टू ए बी अपॉन ए प्लस बी और इन टू में कॉस ए होगा क्या होगा इन टू में कॉस ए ये आपको याद रखना है याद क्या रखना है अगर नोट्स बनाते चल रहे हो तो उसको लिख लो अच्छे से कॉस ए क्या कॉस ए बाई टू होता है क्योंकि अर्धक हो जाता है ठीक है क्या हो जाता है अर्धक हो जाता है ये तीनों हिस्से जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, है चलो अब अगर हम सवाल पर आते हैं मित्र तो देखो सवाल कैसे होगा बच्चों ये हमारे पास नौ दशमलव दिया है हमको बच्चों ए सी का मान निकालना था ए बी का मान नौ दशमलव एसी का मान निकालेंगे फिर उसके बाद हमारे पास बीई कितना दिया था चार दिया था और ये दिया था तीन तो चार से इसको डिवाइड करेंगे दो दशमलव चार आएगा और दो दशमलव चार में अगर तीन का गुणा कर लेंगे तो ए सी का जो मान होगा वो सात दशमलव दो हो जाएगा कितना हो जाएगा सेवन पॉइंट टू कितने बच्चों का ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आया था और ईमानदारी से ये भी बताओ कितने बच्चों को ये बात जो हमने यहां पर फैक्ट के रूप में लिखी है ये बात आपको पता थी जरा बताइए ठीक है बोलो आया नोट कर लेना अच्छे से चलिए अब ये क्लास पांच बजे से ही होगी बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो तीन बजे वाली क्लास होती थी वो पांच बजे से हुआ करेगी ठीक है यदि किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन जो है वो तीन घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या निकालना कोई कठिन काम है क्या भाई पाई आर स्क्वायर का मतलब हम 11 से इसको 11 तेईस तैतीस ग्यारह पचपन हो जाएगा ठीक और उधर दो बटे सात बचेगा और दो बटे सात का मतलब बीस बटे सात हो जाएगा इधर हमारे पास क्या आया था तीन सौ पचासी का आयतन क्या होता है इसी आर की वैल्यू आपको निकालनी थी क्या नहीं निकलेगी बोले सर ये तो बहुत ज्यादा सरल है ये तो आपको कराना भी नहीं चाहिए और हो सकता है कुछ बच्चे ये बोल दे नहीं नहीं सर करा दो ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह से इसको काटोगे तो पैंतीस बार में ये कट जाएगा कट जाएगा बोलोगे हाँ सर अब ध्यान से सुनना बच्चे इस सात को मैं इधर भेज रहा हूं पांच से इसको काट दूंगा पांच दूनी दस पांच सत्ते पैंतीस देखो इधर भी दो गुणे दो है इधर सात गुणे सात है तो यहां से हमारे पास आर का मान सात बटे दो आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा मतलब ये आता हमारे पास सात गुणे सात बटे में दो गुणे दो तो। ये हमारे पास आर स्क्वायर का मान होता तो अगर ये आर स्क्वायर का मान होता बच्चों तो आर का मान सिर्फ सात बटे दो होता तो ये आंसर आपका नहीं थी, इसको लिखना नहीं चाहिए था ठीक है याद रखना करेक्ट आंसर है ठीक है सर कहां चले गए थे अरे बच्चा क्या बताएं जिंदगी में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसके कारण जाना पड़ जाता है तीन दशमलव पांच सभी का आ गया वेरी गुड बहुत अच्छे ये सवाल देखिए तो जाना पड़ जाता है ना चाहते हुए भी क्या बताएं सोचा था नहीं जाएंगे लेकिन <laughs> एक समूह में पांच व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति एक कार्य को पैंतीस दिनों में समाप्त कर सकता है वाह भाई वाह अच्छा एक व्यक्ति कार्य शुरू करता है तथा दूसरे से पांचवें दिन तक रोज एक आदमी जुड़ता जाता है समझना मतलब एक व्यक्ति अगर किसी काम को करता है तो वो पैंतीस दिन में काम कर लेता है तो इसका सिंपल मतलब बच्चे ये हो गया कि हमारे पास जो पैंतीस आएगा वो हमारा कुल काम होगा टोटल वर्क होगा बोलो ये बात सभी को समझ में आ गई है ना कि जो पैंतीस है हमारे पास वो हमारा टोटल वर्क है ये बात सभी को समझ में आई है कि नहीं आई है तक बोलो पहले ठीक है नमस्ते नमस्ते बच्चा ये बात सभी को समझ में आ बोलो गया बोलोगे हाँ अब देखना जरा बच्चे ये मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि बहुत ध्यान से समझो पहले दिन जो है बच्चा पहले दिन एक ही व्यक्ति काम करेगा एक आदमी काम करेगा दूसरे दिन क्या होगा सेकेंड डे में दूसरे दिन जरा गौर से समझना दूसरे दिन क्या होगा बच्चे इस एक आदमी के साथ एक और आदमी आ जाएगा यानी यहां पर आदमियों की संख्या हो जाएगी दो ठीक तीसरे दिन बच्चों क्या होगा तीसरे दिन थर्ड डे तीसरे दिन देखो जरा तीसरे दिन बच्चों एक और आदमी आ जाएगा तो आदमियों की संख्या हो जाएगी लोगों की संख्या हो जाएगी चार फिर पांचवें दिन क्या होगा सर हमारे पास एक और आदमी आ जाएगा फिफ्थ डे में तो लोगों की संख्या हो जाएगी पांच बोलो यहां तक तो बात समझे हो कि नहीं समझो इस तरीके से आदमी बढ़ रहे ये बात तो समझ में आई है यार और क्या चल रहा है ये ऊपर तुम्हें क्या लिखा दिखाई दे रहा है फिर हम डांटेंगे तो तुम लोग कहोगे लो सर तो गुस्सा हो जाते हैं डांट देते हैं लगातार मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोग अपने अपने प्रश्न दाग रहे हो अरे भाई आखिरी में पूछ लेना यार है शुरुआत में पूछना जरूरी है क्या नौ no आंसर आ गया नरेंद्र चौधरी का बहुत बढ़िया ठीक अब सुनो सुनो तो पहले दिन जो बच्चे एक लोग थे दूसरे दिन दो लोग हुए तीसरे दिन तीन लोग हुए चौथे दिन चार लोग हुए पांचवें दिन पांच लोग हुए इस प्रकार से काम आगे बढ़ा तो भाई अगर एक आदमी एक दिन में एक ही काम कर रहा है तो बात समझ में आ गई होगी ना यहां से एक आदमी एक दिन में एक ही काम तो करेगा एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है तभी तो पांच लोग हैं काम कर रहे थे तो यहाँ पर एक दिन में अगर एक काम हुआ है तो टोटल काम यहाँ पर एक हुआ होगा यहाँ पर दो लोग काम कर रहे हैं दो हुआ होगा यहाँ तीन लोग काम कर रहे हैं तीन हुआ होगा यहाँ चार लोग काम कर रहे हैं चार काम हुआ होगा इसी तरीके से आगे बढ़ रहा होगा मामला इस पर काम मत लिखना ध्यान से सुनना मान लो कि यहां पर जो काम हुआ है वो हमारे पास पांच लोगों ने किया है तो बचा हुआ काम कितने दिन में होगा ये पूछ रहा था सुनना बच्चे टोटल काम देखो जरा आप बोलोगे चार तीन सात दो नौ और एक दस काम हो गया और इस दस काम में समय कितना लगा है तो आप बोलोगे सर दस काम में एक दो तीन चार दिन लगे हैं। टोटल काम पैंतीस था पैंतीस में दस काम हो गया यानी यहां पर पांचवें दिन में काम जो है वो पच्चीस होना चाहिए कितना होना चाहिए पच्चीस काम होना चाहिए बात समझना इस पांचवे क्यों क्योंकि सर यहां पर हमने इसलिए रोका क्योंकि समूह में व्यक्ति ही पांच थे इसलिए यह पांचवें पर ही रोका था इससे आगे इसलिए नहीं बढ़े ध्यान से सुनना अब यहां पर पच्चीस काम होना है तो पच्चीस काम होना है और एक व्यक्ति अगर एक दिन काम करता है तो ये पांच लोग कितने दिन काम करेंगे कि पच्चीस काम हो जाएगा तो आप बोलोगे सर इन पच्चीस काम को करने के लिए सर यहां पर पांच दिन लगा होगा कितने दिन लगे होंगे पांच दिन भैया इससे पहले ऊपर अगर आप देखोगे तो चार दिन ये लगे थे और आखिरी वाले 25 काम को करने में पांच दिन और लगे यानी टोटल अगर देखा जाएगा तो नौ दिन लगे होंगे काम को समाप्त करने में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का लिख लो इसको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन है बहुत प्यारा जिसको मतलब समझना बहुत बारीकी से होगा ठीक है ग्रेड का मैथ का क्लास वो शांतनु बच्चा वो एप्लीकेशन पर होगा उसके लिए आप ये जो नंबर दिया हुआ है ना इस पर कॉल कर सकते हो ठीक है वो एप्लीकेशन पर होगा ग्रेड वन वाली क्लास मैथ की ठीक है चलो मेरे पास समय होता तो मैं ही ले लेता लेकिन अभी समय नहीं है तो ग्रेड वन वाली क्लास फिर दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूं मैं ठीक है देखो अगला सवाल एक स्टोव और कुकर की जो कुल कीमत है वो तेरह हजार एक सौ पच्चीस थी कुकर को तीस परसेंट के लाभ पर और स्टोव को बीस परसेंट की हानि के साथ बेचा गया ठीक है यदि दोनों वस्तुओं के बिक्री मूल्य जो है वो समान है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या है देखो जरा बच्चों ध्यान से सुनना एक स्टोव है और एक कुकर है ये हो गया हमारे पास स्टोव और ये हो गया हमारे पास कुकर ठीक स्टोव को कुकर को 30 परसेंट के लाभ के साथ बेचा गया तो कुकर को अगर 30 परसेंट के लाभ पर बेचा गया होगा तो इसका मतलब 10 की चीज को 13 पर बेचा गया होगा तभी तो 30 परसेंट का लाभ होगा और स्टोव को 20 परसेंट की हानि पर बेचने का मतलब यह है कि स्टोव की क्रय मूल्य पांच से उसको चार पर बेचा गया होगा ये इनके क्रय मूल्य है और ये इनके विक्रय मूल्य है अब ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य तो बराबर है यानी कि चार और तेरह जो है ना ये आपस में बराबर होने चाहिए तो बराबर करने के लिए बच्चों इसमें तेरह का गुणा होगा और यहां पर चार का गुणा होगा इसमें भी हम तेरह का गुणा कर लेंगे और बच्चों यहां पर हम चार का गुणा कर लेंगे अब हमसे कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का का तो सस्ती वस्तु क्रय मूल्य क्या है अब सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य देखना है देखो इसका क्रय मूल्य बन रहा है पैंसठ और इसका क्रय मूल्य बन रहा है चालीस यानी कुकर सस्ता है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब है आपको चालीस का मान निकालना है ध्यान से सुनना चालीस का मान निकालने का मतलब जो बच्चा चालीस है ना ये आठ और 5 दोनों का गुणनफल है यानी आंसर वो होना चाहिए जो आठ से भी कट जाए पांच से भी कट जाए तो आठ से ये कट नहीं सकता ये कट नहीं सकता ये कट नहीं सकता एक ही ऑप्शन है जो आठ से कट रहा है यानी सस्ती वस्तु का जो बच्चा क्रय मूल्य होगा चालीस का जो मान आएगा वो आपके पास पांच हजार रुपए आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा थोड़ा दिमाग लगाया है नहीं तो आप क्या करते कि पैंसठ और चालीस एक सौ पांच का मान आप किसके बराबर करते दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है ये सीपी वन और सीपी टू है दोनों ये 105 इस 105 को आप किसके बराबर करते हैं फिर तेरह हजार एक सौ पच्चीस के और फिर उसके बाद सस्ती वस्तु यानी 40 का मान फिर आप निकालते हैं तो ये तरीका ये भी है आप इससे भी कर सकते हो लेकिन क्या है इसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी क्या हो जाएगी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन के लिए अपना समय नहीं है चीजों को समझना भी है हा है ना हाँ तो फिर बच्चा इस नंबर पे सांतोनो तुम एक बार कॉल कर ही लो ठीक है चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखिए बताइए डी आ गई है बहुत ख्याल से आपको देखना है बहुत ख्याल से ही आंसर देना है बिना जल्दबाजी के ठीक है पढ़ा जाए दो विभिन्न स्कूल के छात्रों की संख्या सैकड़ों में जो कि छह विभिन्न वर्षों में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए नीली वाली बिल्डिंग स्कूल पी की है और लाल वाली जो बिल्डिंग है ऑरेंज वाली वो स्कूल क्यू के लिए है ठीक दिख रहा होगा नंबर हां दिख रहे हैं अब सवाल देखिए क्या कहता है कि सभी वर्षों में मिलाकर स्कूल पी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या तो पहले इतना कर लेते हैं कि स्कूल पी से सभी टोटल कितने छात्र पास हुए हैं 80 और 85 को जोड़ेंगे तो 165, 165 और 5 170 170 और 9 260 260 और 90, 350, 350 और 40, 390, 390 और 9. चार सौ अस्सी लोग टोटल स्कूल पी से पास हुए हैं। स्कूल पी से टोटल कितने बच्चे पास हुए चार सौ अस्सी ऊपर कोने में लिख दिया है बोलो ठीक है बच्चों की तरीके नहीं जोड़ना है यहीं पर जोड़ते हुए निकलना है आगे ठीक है कुल संख्या हो गई इनकी चार सौ अस्सी अब कह रहा है उसके बाद दो हजार छह और दो हजार सात को मिलाकर और दोनों स्कूलों को मिलाकर दो हजार और दो हजार सात को पकड़िए और दोनों स्कूलों को मिलाकर जो बच्चे हैं वो कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है पहले काम तो हमने 2006 और 2007 को पकड़ लिया अब इसमें दोनों स्कूल में मिलाकर बच्चों की संख्या अगर देखेंगे तो 80 प्लस पचपन प्लस पंचानवे और प्लस अस्सी ये होगी कितनी होगी इसको जरा देखिए आठ आठ सोलह एक सौ साठ ये हो गया और पंचानवे और इसको जोड़ेंगे तो एक सौ पचास ये हो जाएगा यानी इनकी कुल संख्या बन रही है बच्चों तीन सौ दस इतनी सोलह पंद्रह इकतीस छह पांच ग्यारह दो एक तीन तीन सौ दस बन रही है तो आपको ये बताना है बच्चों कि कुल संख्या का कितने परसेंट है यानी कि जो चार सौ अस्सी है वो तीन सो दस का कितने परसेंट है ये बताना है तो बच्चों चार सो अस्सी जो कि सभी स्कूलों में मिलाकर पी में बच्चों की संख्या थी और दो हजार छ और सात में दोनों स्कूलों को मिलाकर बच्चों की कुल संख्या है तीन सौ दस 480 310 का कितने परसेंट है ये आपको बताना है एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए 48 बटे इक्कीस है इकतीस है सॉरी 48 बटे इकतीस ये कितने परसेंट है इसको हमें देखना और समझना है भाई इकतीस से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इकतीस एकम इकतीस हो जाएगा सत्रह बचेगा दशमलव लगा के जीरो बढ़ाओगे तो एक हो जाएगा अब इकतीस में कितने का गुणा करें कि 170 से ज्यादा ना हो तो आप बोलोगे पांच का यानी पंद्रह तो यहां पर हो ही जाएगा अब पंद्रह हो जाने का मतलब एक सौ पचपन हो जाएगा पंद्रह और बचेगा डेढ़ सौ हो जाएगा एक अंक पर दशमलव आ चुका है डेढ़ सौ का मतलब ये चार हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इकतीस से इसको डिवाइड करूंगा तो एक दशमलव पांच चार आ रहा है समथिंग और एक दशमलव पांच चार में अगर सौ का गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे पास लगभग लगभग एक सौ चौवन आ जाएगा और एक सौ चौवन दशमलव कुछ मतलब एक सौ पचपन के करीब पहुंचेगा किसके करीब पहुंच जाएगा 155 के बोलो ठीक है 155 के करीब पहुंच जाएगा क्लियर है क्लियर है बोलो सभी लोग बताओ जरा एक बार ईमानदारी से कि ये सवाल आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आया है कोई डाउट तो नहीं है जरा बोलो अच्छे से समझ में आया है इसमें कोई समस्या कोई दुविधा परेशानी तो नहीं है क्लियर है बोलो सभी बच्चों यार मुझे तो फोन में भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, है? और इतना परसेंट नहीं सतेन भाई सवाल को सही से पढ़ा करो उनसठ परसेंट तो हो ही नहीं सकता ना सवाल को सही से पढ़ना जरूरी होता है चलिए अगला सवाल देखिए डी आई नीचे गई दी गई डाटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें ये हमारे पास डेटा का एक लिस्ट है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से वर्षों की कौन सी जोड़ी के लिए तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर है कौन सी जोड़ी होगी जिसमें टोटल एक्सपोर्ट जो है वो बराबर आ रहा है तो कुछ नहीं जोड़ नहीं तो है 2011 में तीनों कंपनियों का टोटल जो एक्सपोर्ट है वो कितना है निर्यात कितना है पांच चार नौ पांच चौदह हजार है चौदह हजार फोर्टीन के तीन पांच आठ और एक यहां पर नौ हजार है कब 2012 में 2013 में कितना है चार तीन है दो में पांच और चार बारह है और दो में सात और एक आठ हजार है तो हमारे पास नौ हजार वाली जो जोड़ियां बराबर हो रही है कब कब की हो दो हजार बारह की और दो हजार तेरह है इसमें जो टोटल एक्सपोर्ट किया गया है निर्यात किया गया है ये बराबर आ रहा है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा कौन सा आंसर होगा ऑप्शन ए बोलो ठीक है ये तो यार सरल था क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो सरल था इसका तो आंसर आप लोगों को खुद से देना चाहिए क्यों नहीं दिया भाई है? अभी भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना तुम लोगों का भाई क्या बताया जाए चलो जैसी इच्छा हो भाई वैसा कर लो क्या ही बोल सकते हैं चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर ठीक है दोस्तों चलिए बताइए अगले सवाल का उत्तर देने की कोशिश करिए सभी लोग और ये जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए बताओ ठीक है बताइए सेशन को लाइक और शेयर तो कर दो दोस्त फटाफट से इन बच्चों ने अभी तेईस परसेंट बच्चों ने लाइक नहीं किया फटाक से लाइक करो भाई कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग ट्रेन द्वारा नब्बे किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ध्यान से सुनना मान लीजिए कोई यात्रा है मैं सवाल आपको डायरेक्ट बता सकता हूं लेकिन मैं डायग्राम इसलिए बता सक रहा हूं कि आप ये समझो कि आपको कौन सी संख्या या किस प्रकार से संख्या को दूरी के बराबर मानना होता है जरूरी होता है दूरी के बराबर मानने के लिए अब ध्यान से सुनना बच्चों ठीक है मान लीजिए कि ये कोई दूरी है इस दूरी का जो आधा हिस्सा है यानी एक बटे दो हिस्सा जो है इसको 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया गया ठीक अब जो शेष गति बची है यानी आधी गति बची है इस आधी गति का शेष का एक बटे तीसरा भाग तो आधी गति का अगर हम आधी दूरी का एक बटे तीसरा भाग करेंगे तो ये एक बटे छ आ जाएगा आधी दूरी का एक तिहाई हिस्सा जो होगा इस आधी दूरी का एक, कुछ यहां पर होगा जो की ये एक बटे शेष दूरी साइकिल से तय की गई ये जो बचा वाला हिस्सा है ये बचा वाला हिस्सा जो है बच्चे पांच बटे जो है कितना है पांच बटे बचेगा ये जो बचा वाला हिस्सा है ये साइकिल से तय किया दस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अब आप सोचो कि आप एक ऐसी दूरी मानो जो नीचे एलसीएम छह से भी कटे और इन सब से भी कट जाए तो आप क्या बोलोगे आप बोले कि सर हम टोटल डिस्टेंस को 90 किलोमीटर मान लेते हैं ध्यान से सुनना टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान लिया बच्चों 90 किलोमीटर ठीक 90 ना मानो तो 180 मान लो टोटल डिस्टेंस को 180 मान लिया 180 का आधा हिस्सा कितना होता है नब्बे और इसको अगर नब्बे की ही रफ्तार से तय करा जाएगा तो इसका मतलब ये एक घंटे लगेगा आप बोलोगे में नब्बे तय हो गया बचा कितना बचा हो गया आपके पास नब्बे उस नब्बे का एक तिहाई करोगे तो तीस यानी एक बटे छ कर लोगे तो तीस आएगा इसको हम तीस की ही गति से तय कर लेते हैं तो यहाँ पे भी बच्चे हमारे पास एक ही घंटे लगेंगे अब हमारे पास बची हुई दूरी है साठ भाई नौ तीन बारह एक सौ अट्ठारह एक सौ एक सौ अस्सी थी साठ बची इसको दस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों समय लगेगा छह घंटे का औसत चाल जब पूछा है एवरेज स्पीड पूछा है तो एवरेज स्पीड क्या बनती है एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये जरूरी होता है फॉर्मूला याद है ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कुल दूरी बटे कुल समय ये होता है फॉर्मूला आप बोलोगे हाँ टोटल डिस्टेंस बच्चों है 180 किलोमीटर की और अगर टोटल टाइम देखिए आप तो सात आठ है एक सौ अस्सी बटे आठ कितना होता है तो आप बोलोगे सर आठ धुनी सोलह दो बचेगा बीस हो जाएगा आठ धुनी सोलह यानी बाईस दशमलव लगभग पांच किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत गति होगी आपका आंसर क्या होगा यह होगा अगर आप इस सवाल को समझना जानते यानी आपको दूरी अगर मानना पता होता तो विश्वास मानिए ये सवाल आपके लिए मुंह जवानी है इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जो बच्चे मुझसे बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे जिन्हें ये पता है कि हम दूरी किस प्रकार से यहां ले सकते हैं जो मैंने यहां पर अभी आपको सिखा के बताया उनके लिए वास्तव में सवाल कैसा होगा बच्चे मुंह जवानी होगा इसमें आपको पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आया सभी का बोलो हाँ अगला देखिए बताइए ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट देखो बच्चों एक बेईमान दुकानदार वस्तु को बेचने में गलत वजन का प्रयोग करता है और पांच परसेंट का लाभ कमाता है उसके द्वारा एक किलोग्राम की जगह कितने ग्राम वस्तु का प्रयोग किया गया तो बहुत ही सरल है भाई साहब अगर बीस परसेंट का प्रॉफिट कमाया है सॉरी पांच परसेंट का अगर प्रॉफिट कमाया है तो पांच परसेंट की भिन्न होती है एक बटे बीस मतलब जो हम टोटल देख पा रहे हैं टोटल तो टोटल तो हमारा वजन बन रहा है इक्कीस ना और इसी इक्कीस का मान तो हमारे पास एक हजार ग्राम होना चाहिए जो हमें ग्राहक को देनी चाहिए लेकिन हम इसमें क्या करते हैं हम बोले तो ये बेईमान दुकानदार क्या करता है कि वो इक्कीस की चीज को बोलता तो है लेकिन देता 20 से ही है तो जितनी दी गई है इसी का मान आपसे पूछ रहा है इक्कीस का मान अगर आपके पास एक हजार दिया है और आपसे बीस का मान पूछ रहा है तो एक हजार गुणे बीस का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा एक हजार गुणे बीस का मतलब हो जाएगा आपके पास इतना यानी कि दो बीस हजार और उसको अगर आप इक्कीस से विभाजित कर लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कितना वो दे रहा है ठीक अब सबकी शुरुआत नौ से तो है ये तो हमें समझ में आ रहा है जरा देखो भाई इक्कीस गुणे नौ कितना होता है इक्कीस गुणविया होता है एक सौ नवासी तो यहाँ से ग्यारह बचे का एक सौ दस हो जाएगा इक्कीस पंचे एक सौ पांच हो जाएगा यानी नौ के बाद पांच आना चाहिए यहाँ चार है यहाँ चार है यहाँ चार है आपका आंसर होगा नौ सौ बावन दशमलव नौ सौ बावन दशमलव तीन आठ एक ग्राम चीज वो देगा कितने किलोग्राम की जगह एक किलोग्राम की जगह मतलब कि एक हजार ग्राम की जगह वो कितने ग्राम चीज दे रहा है नौ सौ बावन दशमलव तीन आठ ग्राम जिससे ग्राहक को यह भी ना पता चले कि भाई वो कम दे रहा है क्योंकि बहुत कम पचास ग्राम की गुल्ली लगा रहा है और वो गुल्ली लगा भी दे रहा है बोलो ठीक है डी इज द राइट आंसर नहीं अमर सिंह मीना 940 नहीं होगा भाई ए आंसर पृथ्वी ने दिया था वो भी गलत आंसर है सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा जितने बच्चे इससे पहले अब हालांकि उन लोगों ने मैसेज को वापस ले लिया सर हम आ गई होगी जितने बच्चे ए सी या बी आंसर दे रहे थे उन सबका गलत है सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अगला प्रश्न करेक्ट रूट टू एक्स का पांच परसेंट जीरो दशमलव एक है जीरो दशमलव जीरो एक है तो एक्स का मान क्या होगा भाई देखो जरा रूट टू एक्स इसका जो है पांच परसेंट पांच परसेंट का मतलब पांच बटे सौ बच्चों ये जो है ये दशमलव जीरो एक के बराबर था तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास रूट टू एक्स आ जाएगा और पांच से अगर सौ को काटूंगा तो बीस हो जाएगा और बच्चों बराबर में हमारे पास दशमलव का जीरो एक है मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अगर मुझे इसको सॉल्व करना है मान लो ये दशमलव हटा के मैं दो जीरो यहां पे बढ़ा लेता हूं तो बीस पंचे सौ हो जाएगा ये एक बटे पांच होगा स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ टू एक्स बराबर बच्चे क्या हो जाएगा एक बटे पच्चीस एक बटे पच्चीस हो जाएगा तो एक्स का मान हो जाएगा बच्चे एक बटे पचास भाई दो को इसके साथ भेज दिया एक बटे पचास एक बटे पचास को सॉल्व करना है दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ा लेंगे नहीं कटेगा फिर एक जीरो बढ़ाएंगे यहां भी जीरो बढ़ जाएगा और पचास दूनी सौ हो जाएगा यानी बच्चों एक्स का मान कितना हो जाएगा दशमलव में जीरो दो हो जाएगा बोलो सभी का आया है क्या ये ये तो आया होगा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसका ये भी गलत हुआ है अच्छा देखो डी आंसर यहाँ पर कोई एक नेहरा करके है उसने दिया है अब डी आंसर इसका नहीं होगा मेरे दोस्त ऐसे सवालों को गलत ना करो इन सवालों को आप गलत करते हो दिल मेरा दुखता है मैं सही बता रहा हूं मतलब पेपर आप बिल्कुल बहुत हल्के में ले रहे हो ऐसा मत करिए आप अभी तो पेपर को हल्के में ले सकते हो लेकिन पेपर वास्तव में हल्का नहीं आने वाला है मेरे दोस्तों ध्यान से समझो अगला सवाल बताओ समझ कर सोचकर और सही से देखकर बोलो आंसर क्या होगा बोलिए जरा देखिए बच्चों क्या आंसर देते हो जल्दी से अरे सभी बच्चे लाजरा फटाफट से लाइक सेशन को कर दो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया जल्दी से सेशन को लाइक करो और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई ठीक है इतना सरल पेपर नहीं आता है मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों देखो यहां पर ये दोनों ब्रैकेट गुड़े में है और ये वाला मल्टीप्लाई में है तो पहले हमारी नजर बी पर हो जाए बी पर यहां बी की पावर पांच है यहां बी की पावर पांच है यहां बी की पावर तीन है तो ये हो गई पावर आठ दोनों को जोड़कर यहां पर बी की पावर तीन है आठ में से तीन को घटा देंगे तो उत्तर में बी की पावर पांच होनी चाहिए यहां भी पांच है यहां भी पांच है यहां भी पांच इसमें चार है तो ये आंसर खत्म हो गया अपने पास तो बी को हमने देखा तो एक गलत आंसर अपने पास से गया उसके बाद देखना जरा बच्चों जो तीन सही ऑप्शन है ना अपने पास इसमें भी एक्स की पावर चार है यहां भी चार है यहां भी चार है तो एक्स को हमें देखना ही नहीं है एक्स पर काम करना ही नहीं है ये जरूरी है कि आप किस पे काम कर रहे हो किस डायरेक्शन में आपकी मेहनत लग रही है आगे देखो तो ए पर काम कर लेते हैं ए ए की पावर तीन है यहां पर ए की पावर चार है यहां पर तो चार और तीन मिलकर सात हो जाएगा और ए की पावर दो है सात में से दो घटाएंगे ए की पावर पांच होनी चाहिए चार और तीन सात में से दो घटेगा ए की पावर पांच होनी चाहिए तो ए की पावर चार है ये गलत ऑप्शन फिर हट गया दो गलत ऑप्शन हटे अब जेट पर काम कर लेते हैं यहां पर पावर चार है यहां पर पावर पांच है दोनों मिलकर नौ हो गई और यहां पे पावर दो है तो नौ में से दो जाएगा सात बचेगा यानी जेड की पावर सात होगी तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ए भी खत्म हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अब देखो इसमें जैसे फिर एक कोई बच्चा है आंसर दे रहा है इसका नाम अमर है है ना अमित तुम अपने फोन को जरा रिफ्रेश कर लो क्योंकि तुम अगर जो भी गलत आंसर दे रहे हो अगर उसको मैं ले रहा हूं तो तुम कह रहे हो सर वो पीछे वाले का है तो फोन रिफ्रेश करके थोड़ा सामने पर आओ बराबर पर आओ ठीक है भाई <laughs> नहीं तो, तो तुम इसी से बचते रहोगे चलिए बताइए देखिए अगला क्वेश्चन बताओ दोस्त इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होना चाहिए हाँ बोलो बोलो और थोड़ा सेशन को लाइक और शेयर करना बनता है भाई अब त्रिभुज ए बी सी के लिए यदि बिंदु ए बी और सी के निर्देशांक कितने हैं तो माध्य एडी का समीकरण क्या होगा माध्य की जगह इसको आप माध्यिका लिख लो क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है मीडियन डी इसकी जगह लिख लो आप माध्यिका मीडियन की जगह आप माध्य की जगह माध्यिका लिख लो इसको तो आपको और समझ में आ जाएगा चीज को ध्यान से समझ जाओगे माध्यिका एडी का माध्यिका एडी का जो है वो समीकरण आपसे पूछा गया आप गौत ध्यान से सुनना बच्चा हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी अब देखो ध्यान से समझोगे ना सवाल बड़ा मजेदार लगेगा नहीं समझोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी गौर से देखना जरा एबीसी इस त्रिभुज की ये माध्यिका है माध्यिका का मतलब त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मान लीजिए ए डी ए डी माध्यिका है तो बी से डी तक की दूरी और डी से सी तक की दूरी बराबर होगी माध्यिका तो तभी कहलाएगी बोलो हाँ या ना आप बोलोगे हाँ ठीक है आप सुनो ध्यान से सुनोगे भाई पढ़ोगे नहीं तो दिमाग हिलेगा ना और अगर पढ़ोगे तो किसी चीज में दिमाग नहीं हिलने वाला है अगर पढ़ने का मन ही नहीं बनाओगे तो दिमाग सब चीज में हिल जाएगा चाहे सरल हो चाहे कठिन हो अब ध्यान से सुनना ए के निर्देशांक बच्चों है दो कॉमा माइनस का चार बी के निर्देशांक है तीन कॉमा और सी के निर्देशांक है पांच कॉमा माइनस का दो अगर मध्य बिंदु है ना क्योंकि माध्यिका मिला है बिंदु, तो बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो फिर क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक तो यहां पर डी के निर्देशांक अगर निकालना चाहूं मैं जो कि बी और सी का मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे पांच और तीन आठ आठ का आधा चार और जीरो और दो माइनस दो को जोड़ोगे तो ये माइनस दो ही रहेगा और दो से भाग दो तो माइनस वन हो जाएगा यानी बिंदु डी के निर्देशांक होगा चार गौमा माइनस एक बात समझ में आई आप बोलो हाँ अब बच्चे दो बिंदुओं हैं दो बिंदु हैं हमारे पास एक बिंदु है ए एक बिंदु है डी और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखे हुए हैं देखो ऐसे बना देता हूं ये बिंदु ए हो गया ये बिंदु डी हो गया बिंदु ए के निर्देशांक है दो कौमा माइनस का चार और बिंदु डी के निर्देशांक अभी मैंने निकाले हैं चार कॉमा माइनस एक इन दोनों बिंदुओं से अगर ये लाइन होकर जा रही है रेखा होकर जा रही है तो इसकी रेखा का समीकरण क्या होगा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है तो वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन होता है ये बात सबको पता है या नहीं पता है बोलो हाँ या ना है ना आप बोलोगे हाँ सर तो सबसे पहले तो इस रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं क्योंकि एम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ठीक ये बच्चों इसको अगर हम X1 इसको Y1 मान लो और इसको X2 और इसको Y2 मान लो तो कोई फर्क पड़ेगा आप बोलोगे नहीं पड़ेगा सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा कोई दिक्कत है बोलोगे नहीं तो y2 टू माइनस वाई का मतलब हो जाएगा माइनस एक माइनस माइनस चार माइनस एक प्लस चार का मतलब माइनस का तीन बटे में दो माइनस तीन सॉरी वाई टू माइनस वाई वन बटे में क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन चार में से दो घटाएंगे तो ये हो जाएगा यानी जो इस रेखा की प्रवणता होगी वो माइनस का तीन बटे दो होगी एम का मान क्या हो गया माइनस तीन बटे दो सब लोग बात समझना अब इसके बाद हमारे पास वाई वन पता ही है हमको एक्स वन वाई टू एक्स वन पता ही है हमको एक्स वन ये है वाई वन ये है रखना है मान वाई माइनस वाई वन वाई वन कितना है वाई वन है माइनस चार तो ये प्लस हो जाएगा एम का मान क्या आ गया माइनस का तीन बटे दो आ गया X -X1 क्या है एक्स वन है हमारे पास दो तो ये दो हो गया अब यही सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है आंसर नहीं निकलेगा क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी निकलेगा कि नहीं निकलेगा अरे बोलो आया ना निकलेगा अरे बोल दो भाई आया ना तो निकाल के मुझे आंसर बताओ जरा फटाक से क्या आंसर होगा भाई अब तो सरल हो गया बात अब तो कोई दिक्कत नहीं है अब भी अगर दिक्कत है तो देखो दो का गुणा कर लो दो वाई प्लस आठ इधर माइनस तीन का गुणा करोगे तो माइनस का तीन एक्स और प्लस का छ होगा इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा तीन एक्स प्लस दो वाई और इस आठ को इस तरफ लेकर जाओगे तो माइनस का दो होगा यानी क्या बनेगा तीन एक्स प्लस दो वाई और बराबर में माइनस का दो तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर में माइनस का दो होगा ठीक है बोलो बना तीन एक्स माइनस दो वाई बराबर में चौदह बता रहा है क्या नाम है बच्चे का राहुल गुप्ता क्या नाम है बच्चे का राहुल गुप्ता जरा बताओ पर गड़बड़ हुई है फिर कोई बता सकता है गड़बड़ कहां हुई है जल्दी से बोलो जैसे राहुल गुप्ता का आंसर तीन एक्स माइनस दो वाई बराबर चौदह आ रहा है तो राहुल गुप्ता जरा जल्दी से बताओ बच्चा एम तीन बटे दो होगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वाई वन माइनस एक माइनस माइनस का चार तो ये प्लस हो जाएगा ना हाँ ये प्लस होगा तीन बटे दो होगा ये ये तीन बटे दो होगा बच्चों तीन बटे दो होगा और अगर ये तीन बटे दो होगा तो यहाँ पर हो जाएगा टू वाई प्लस आठ और बच्चों यहां पर हो जाएगा थ्री एक्स माइनस का छ बिल्कुल सही कह रहे हो तो अब अगर हम इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स माइनस का टू वाई और ये माइनस का छः इस तरफ आ जाएगा तो चौदह हो जाएगा बिल्कुल सही है थ्री एक्स माइनस टू वाई बराबर चौदह ही होगा थ्री एक्स माइनस टू वाई बराबर चौदह यानी ऑप्शन ए इस सवाल के लिए लिख लो बहुत गजब का सवाल इस सवाल के लिए लिख लो बहुत शानदार सवाल है बहुत अच्छा सवाल है लिख लो ये तीन बजे वाली क्लास जो है वो आवाज से शाम को पाँच बजे ही रहेगी अगला सवाल ये देखो ठीक है और आप लोग सभी लोग जल्दी से बताओ भाई ठीक है चलो दोस्त अगला प्रश्न बताओ देखें क्या आंसर दे पाते हो बच्चों कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी यहां पर व्यापानी नहीं होगा व्यापारी होगा ठीक है अपने माल के चिन्हित कीमत पर एक 28% परसेंट की छूट देता है चिन्हित कीमत का मतलब हो जाता है बच्चों अंकित मूल्य पर किस पर चिन्हित कीमत का मतलब होता है अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर, पर 28 परसेंट की छूट प्रदान करता है और इस तरह इस तरह लागत मूल्य पर उसे बेचता है तो प्रतिशत चिन्हित मूल्य क्या है तो अगर हमने ये मान लिया कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो सौ है और इस सौ रुपए पर अगर मैं अट्ठाईस परसेंट का डिस्काउंट दूंगा तो आप मुझे बताओ वस्तु कितने की बिकेगी उस वस्तु का विक्रय मूल्य सौ में से अट्ठाइस कम करने के बाद बहत्तर हो जाएगा आप बोलोगे अभी क्या रहा है कि और इस तरीके से उसका मार्कअप परसेंट क्या है लागत मूल्य पर बेचता है यानी कि ये जो है ये उसका लागत है जो जिस मूल्य पर उसने बेचा है जो विक्रय मूल्य उसका आया है एक्चुअल में यही उसका लागत मूल्य है लागत मूल्य का मतलब समझ रहे हो लागत मूल्य का मतलब ये बोल रहा है कि यही इसका क्रय मूल्य है तो चिन्हित मूल्य कितने प्रतिशत ज्यादा था वर्ड वॉज द परसेंट मार्कअप कितना परसेंट ऊपर बढ़ाया यानी की चीज को अगर आप सौ लिख देते हो आप एक चीज लाए हो बेचने के लिए वो बहत्तर रुपए की आपको पड़ी थी आप मान लो आप दुकानदार हो आप थोक बाजार से एक चीज लाए बहत्तर की और उसको बेचने के लिए उस पर लिख दिया सौ आपने तो बहत्तर की चीज को अगर आपने सौ लिखा तो कितना ज्यादा बढ़ाकर लिखा अट्ठाईस और किस पर ज्यादा बढ़ाकर लिखा क्रय मूल्य पर याद रखना अगर आपको कभी भी मार्कअप परसेंट निकालना हो किसका परसेंट निकालना हो बच्चे मार्कअप का परसेंट तो आप क्या लिखते हो आप लिखते हो अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे में सौ इस फॉर्मूले को याद कर लो भाई अगर आपको कभी भी मार्कअप का परसेंट यानी कितने परसेंट चीज बढ़ाकर लिखी गई है अगर ये निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं और बच्चा यहां पर हो जाएगा गुणे में सौ चार से देंगे, चार चार से काट काट देंगे लीजिएगा कितना आ जाएगा बच्चों अड़तीस दशमलव आठ आठ परसेंट जो है उसका मार्कअप परसेंट होगा अड़तीस दशमलव आठ आठ परसेंट यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा बोलो ठीक है सभी का आया था नहीं इस तरीके से आंसर नहीं चाहिए होता सूरज की 28 बटे बहत्तर गुणे सौ पेपर में भी इसी तरीके तो से लिख के आओगे क्या पेपर में भी तुम इसी तरीके तो तो से लिख के आओगे कि अट्ठाईस गुणे बहत्तर बटे सौ और अगर ये भी तुम लिख के आओगे कि 28 गुणे बहत्तर बटे सौ तो भी काट दिया जाएगा क्योंकि अट्ठाईस बटे बहत्तर गुणे सौ है मान लो अगर तुमने पेपर में यह भी लिख दिया ना अट्ठाइस बटे बहत्तर गुणे में सौ तो ये आपका आंसर हुआ पेपर वाला जो है ना वो काट देगा क्यों क्योंकि उसने जो ऑप्शन रखे हैं वो ये रखे हैं उसे ये मतलब नहीं है कि आप कहां तक पहुंच के आए हो उसे मतलब ये है कि आपने इन चार ऑप्शन में सही ऑप्शन चुना है कि नहीं चुना है समझे भैया हां अगला सवाल बताइए टेन तीन सौ डिग्री का मान क्या होगा अब ये सवाल तो सबको करना है बेजती नहीं करानी भाई बेस्ती मत करा देना इस सवाल में बताओ आंसर ऐसे नहीं काम चलेगा बेस्ती मत कराना इस सवाल में देखना है सभी लोग दोस्त बेस्ती मत कराना बताओ देखो बच्चे सबसे पहले तो आप ये तो जानते ही हो कि हमारे पास चार चतुर्थांश होते हैं पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का जो अपोजिट होता है यानी कोशेख ये पॉजिटिव होता है तीसरे में टेन और टेन का अपोजिट यानी कॉट पॉजिटिव होता है और सबसे आखिरी में सेक और सेक का जो अपोजिट होता है यानी कि ये पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होता है।, ये बात तो पता है अच्छा एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि टेन नब्बे डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री टेन नब्बे टेन एक सौ अस्सी नहीं टेन नब्बे टेन दो सौ सत्तर साढ़े चार सौ इन सब में मान जो होते हैं वो चेंज होते हैं मान क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं किसमें किस कौन चेंज होता है जैसे साइन है बच्चा साइन किसमें चेंज होगा साइन कॉस में चेंज होगा कॉस साइन में चेंज होगा कब जब आपके पास एंगल 90 दिखाई दे 270 दिखाई दे 450 दिखाई दे 630 दिखाई दे कुछ भी दिखाई दे ठीक साइन कॉस में चेंज हो जाता है टेन की बात करें तो टेन यहां पर कॉट में चेंज हो जाता है और अगर बच्चों हम लोग सेक की बात करते हैं तो सेक किस में चेंज हो जाता है सेक को सेक में चेंज हो जाता है लेकिन वहीं पर 180 डिग्री पर 360 डिग्री पर 540 डिग्री पर यहां पर क्या होता है यहां पर ये यह चेंज नहीं होते हैं ये रेशियो चेंज नहीं होते हैं साइन है तो साइन ही रहेगा कॉस है तो कॉस ही रहेगा एक और बात आपको यहां पर बता देता हूं फैक्ट के रूप में लिख लेना तब आप सवाल फिर और आसानी से कर पाओगे देखो बच्चों कहीं आपको अगर साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा दिखाई दे साइन माइनस थीटा मान बताओगे इसका क्या होता है? थीटा, थीटा दिखाई दे, तो देता है तो ये कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है ये माइनस में नहीं रहता है इस बात को याद रखना ये जरूरी बातें है इसलिए मैं लिख देता हूं बाकी इच्छा आपकी है कैसे आप समझना चाहते हो ठीक है पहला जो चतुर्थांश होता है बच्चों ये जीरो डिग्री से डब्बे डिग्री का होता है दूसरा चतुर्थांश जो होता है बच्चों ये इक्यानवे डिग्री से शुरू होता है और ये एक डिग्री तक आता है तीसरा वाला चतुर्थांश बच्चों एक डिग्री से शुरू होकर 270 डिग्री तक आता है और चौथा चतुर्थांश जो होता है दो डिग्री से शुरू होकर 360 डिग्री तक जाता है ठीक है हाँ बहुत अच्छे एक्स एक्सिस एंगल नो चेंज वाई एक्सिस पर चेंज ऐसे भी समझ सकते हो यह भी बात सही है लेकिन किस बच्चे को तो मैं समझाऊंगे कि एक्स एक्सिस कहाँ पर मिलेगा वाई कहां पर मिलेगा ठीक है अच्छा अब देखो जरा इस सवाल पर बहुत बेसिक सवाल था जिसके लिए मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुम में से ही ऐसे हो गए चालीस लोग देख रहे हो चालीस लोगों का अगर मैं साठ परसेंट निकाल दूं चौबीस लोग इस सवाल को उत्तर नहीं दे पाओगे तो नहीं देते हो दिख भी नहीं रहा ना मुझे भाई टेन तीन डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो ना टेन तीन सौ साठ माइनस साठ डिग्री बोलोगे हाँ अब जैसे ही आपको तीन सो साठ दिखाई दिया तो टेन नहीं बदलेगा टेन सेम रहेगा क्योंकि टेन एक सौ अस्सी तीन सो साठ पांच सो चालीस में चेंज नहीं होता है। अच्छा टेन का टेन बना रहा तीन सो साठ माइनसा ये जो हिस्सा होता है ये 360 प्लस थीटा का होता है यानी कि ये 90 जीरो से नब्बे वाला जो हिस्सा है 360 प्लस थीटा का है और जो चौथा चतुर्थांश है ना इसे आप 360 माइनस थीटा लिख सकते हो तो हम लोग 360 माइनस थीटा देख रहे हैं चौथे चतुर्थांश में ही है और चौथे चतुर्थांश में क्योंकि सेक और कॉस ही प्लस होता है तो ये तो टेन है तो ये माइनस हो जाएगा और ये डिग्री आपकी साठ आई जाएगी बताइए टेन साठ का मान क्या होता है रूट थ्री होता है और रूट थ्री के आगे अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस रूट थ्री आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोलो बात समझ में आई सभी बच्चों बोलो फटाक सा क्लियर है क्लियर है क्लियर है? है ना तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं इसकी पीडीएफ अच्छा मैं आपको बता दूं कहां मिलेगी उसको भी समझ लो बच्चों जिन बच्चों को पीडीएफ की जानकारी या पीडीएफ चाहिए बच्चों ध्यान से सुनना यह पी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और डबल कॉलम पीडीएफ मिलेगी यानी प्रिंटेबल पी डी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी बहुत ध्यान से सुनना हमारे दो टेलीग्राम चैनल है एक टेलीग्राम चैनल है जो बच्चा उसका नाम है पाठशाला रेलवे एग्जाम पाठशाला रेलवे एग्जाम ठीक यहां पर क्या होगा आपको सोल्यूशन वाली पीडीएफ मिल जाएगी जो बोर्ड वाली है और एक टेलीग्राम चैनल बच्चों हमारा और है उसका नाम है माई पाठशाला पीडीएफ क्या है माई पाठशाला पीडीएफ माई पाठशाला पीडीएफ है यहां पर आपको इस वाले में क्या होगा डबल कॉलम की पीडीएफ मिल जाएगी डबल कॉलम पीडीएफ आपको मिलेगी ठीक डबल कॉलम पीडीएफ क्लियर है बात अब जरा आगे की कुछ बातों को सुन लीजिए समझ लीजिए और जान लीजिए उसके बाद पहचान लीजिए मान लीजिए ठीक है चलो देखो सुनना बच्चों ध्यान से बच्चों ये जो हिस्सा है ना अपना अगर हम इस हिस्से की बात करते हैं जरा ध्यान से सुनना बच्चों इस हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है आप देखो जरा बच्चों ये अपना टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड का कोर्स है टेक्नीशियन का ग्रेड वन का सॉरी ग्रेड वन का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है ग्रेड वन जिसकी मार्केट में आजकल कीमत जो है मार्केट में कीमत की बात कर रहे हैं तो कोई हजार का बेच रहा है कोई पैंसठ सौ का बेच रहा है कोई सात हजार का बेच रहा है अपने यहां पर यानी इस चैनल पर ग्रेड वन वाले के बहुत ध्यान से सुनना मैं ग्रेड वन की बात कर रहा हूं थर्ड की नहीं कर रहा हूं ग्रेड वन में उन्नीस सौ अट्ठानवे रुपए है सिर्फ उन्नीस सौ अट्ठानवे रुपए सात हजार नौ सौ का यह कोर्स आपको सिर्फ मिलेगा उन्नीस सौ अट्ठानबे का कब पचहत्तर डिस्काउंट के साथ जब आप कूपन को आपके पास ऊपर लिखा है ग्रेड वन का कैसे आप एनरोल कर सकते हैं या आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप हमें एक और नंबर पर जो कि क्या है नाइन सिक्स नाइन सिक्स वन जीरो टू फोर डबल वन पर आप इस दोनों में से किसी भी नंबर पर तुरंत कॉल घुमाइए किसी भी बैच को करते हैं माई पाठशाला एप्लीकेशन से या फिर आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके कोई भी बैच इनरोल करना चाहते हो और आप यह चाहते हो कि उसमें आपको बहुत ढेर सारा यानी मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो जो भी फोन उठाता है एग्जीक्यूटिव मैडम सर जो भी फोन उठाता आप उससे बोलिए कि मैडम जी मुझे अनुराग सर वाला कूपन कोड ए डी वन जीरो यूज करना है तो इस कूपन कोड से क्या होगा बच्चे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इसमें मेरा कोई फायदा नहीं मेरा तो पूरी कंपनी है ये आपको कूपन कोड एक ऐसा कंपनी कूपन कोड ही आपको ऐसा निर्धारित किया गया है कि इससे आपको डिस्काउंट दिया जा सके अब क्या है ना कंपनी डायरेक्ट अगर एप्लीकेशन से बेचती है तो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं दे सकती है वो डिस्काउंट अगर आप चाहते हो तो आप ये कूपन कोड लगा लेना दूसरी बात बच्चे आप माई एप्लीकेशन से, से? को डाउनलोड जरूर कर लीजिए सभी लोग और कोई भी इनरोल करना चाहते हैं किसी भी बैच में तो आप सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए इस कूपन कोड को यूज करिए कॉल पर फोन करके बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना तो ही रखते हैं कल शाम को पांच बजे याद रखिएगा कल शाम को पांच बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के साथ शाम पांच बजे से क्लियर है बच्चों तो फिलहाल आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बाय बाय जय हिंद